देश भर में आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन श्री डूंगरगढ़ से शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां वन माफियाओं द्वारा श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के वन विभाग की भूमि पर हजारों की तादाद में पेड़ों को काट दिया और काट कर वहीं पर कोयला तैयार करके बाहर भेजा जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार ये खेल कई महीनों से चल रहा है और विभाग के ऑफिस से मात्र 500 मीटर की दूरी पर इस तरह का माफियाओं द्वारा खेल रचा जा रहा था, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों की चुप्पी की वजह से आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौके से हजारों की तादाद में पेड़ों को काटा गया और वहीं पर ही पेड़ काटने के बाद उनका कोयला बनाया गया और कट्टों में भरकर कोयला बाहर भेजा जा रहा था। जागरूक लोगों द्वारा जब इस मुद्दे को उठाया गया तो वन विभाग की टीम आनन-फानन में मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया तो कुछ जनरेटर व कटर मशीनें जब्त की गई तथा जेसीबी ट्रैक्टर सहित अन्य सामान को विभाग द्वारा जब्त नहीं किया गया। ये खेल पूरी तरह से बड़े स्तर पर चल रहा था और वन विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे ये खेल चलना साबित करता है कि कहीं न कहीं अधिकारियों की भी मिलीभगत इसमें सामने आ सकती है। लगातार इस तरह का खेल चलने के बाद भी आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं न कहीं पूरी तरह से वन माफियाओं द्वारा अधिकारियों को भरोसे में लेकर इस काम को अंजाम दिया गया। श्री डूंगरगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए कैलाश राज पुरोहित की रिपोर्ट। के पास